What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. आज है 9 अक्टूबर. आज हम लोगों को देखना है द हिंदू में हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है. काफी शानदार डिस्कशन रहना है, काफी शानदार आर्टिकल है. पर उससे पहले आप लोगों का है मैप बेस्ड क्वेश्चन. मैप बेस्ड आज का जो क्वेश्चन है ये इतोसा नेशनल पार्क है, यहाँ पर जाकर मैप पे निहारेगा. कल फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. वीर तालियान के नाम से फेसबुक प्रोफाइल भी है और पेज भी है, दोनों जगह आप लोगों को मिल जाएगा. इसके अलावा अगर आप लोग फेसबुक पर नहीं है तो टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. तो देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने. काफी शानदार आर्टिकल है ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल. पांच राज्य में अभी इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है. हल्का सा नजर इसके ऊपर डालेंगे. केरला में अभी बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद में जो डायस्पोरा है यानी कि हमारी कंट्री के जो सिटीजन है जो बाहर की कंट्री में रहते हैं वो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अगर कहीं पर डिजास्टर आता है हमारी कंट्री में, उसके ऊपर फोकस किया गया है. यूएसए की पॉलिटिक्स है यहाँ पर. अभी सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर यहाँ पर कई सारी बातें निकल कर आ रही है, हमारे लिए कोई इंपोर्टेंस नहीं है इसकी, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे. आखिर क्या रोल है हमारी कंट्री में अगर बात करते हैं पावर और पॉलिटिक्स यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर क्या पॉलिटिक्स की जाती है, तो आर्टिकल पर नजर डालेंगे. आज की डेट में कई सारी बातें हम बोलते हैं सोसाइटी में जैसे पैरालाइज इकोनॉमी. तो एक तरीके से जो पैरालाइज होता है यानी कि पर्सन होता है, पर्सन की बॉडी होती है पैरालाइज, उसको इकोनॉमी के साथ में कनेक्ट करके हम लोग बोल देते हैं. यानी कि कुछ ऐसे वर्ड हैं हम लोग कहीं ना कहीं जो डिसेबल पर्सन है सोसाइटी में उनका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है. तो उसी के बारे में आर्टिकल है, थोड़ा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अच्छे से इसके ऊपर नजर डालेंगे. ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वाले आर्टिकल को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. और जो यहाँ पर नीचे वाला आर्टिकल है ये हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, हल्का सा नजर इस आर्टिकल के ऊपर भी डालेंगे. तो आइए आज का फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं. पहला आर्टिकल बात की जा रही है यहाँ पर, ये है आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हमारी कंट्री में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम निकल कर आती है, खासकर बाढ़, सुनामी, सूखा, तो कहीं ना कहीं जो हमारी कंट्री का जो डायस्पोरा है यानी कि प्रवासी भारतीय हैं जो दूसरी कंट्री में जाकर रहते हैं, यानी कि हमारी कंट्री के जो डॉक्टर, इंजीनियर या दूसरे और भी प्रोफेशन के जो लोग दूसरी कंट्री में रहते हैं पर लेकिन उनकी फैमिली या फिर उनके पेरेंट्स या फिर कोई और रिश्तेदार इंडिया में रहता है, तो वो क्या करते हैं रिमिटेंस भेजते हैं हमारी कंट्री में वापसी. रिमिटेंस क्या होता है, रिमिटेंस ये होता है अगर हमारी कंट्री का कोई सिटीजन दूसरी कंट्री में जाकर काम करता है तो वहां पर जितनी भी अर्निंग वो करता है उसका कुछ हिस्सा अपनी कंट्री में वापस भेज देता है ताकि उसकी फैमिली यहाँ पर अच्छे से रह सके, इसको बोलते हैं रिमिटेंस. और इस रिमिटेंस को अचीव करने में इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे टॉप नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है चाइना, ठीक है. तो इस तरीके से कुछ कंट्री है जिनका आप लोग नाम याद रख सकते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो फिर से आप लोगों का थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा. एक क्वेश्चन आप लोग और बता सकते हैं, रिमिटेंस हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा किस कंट्री से आता है, एक तो ये क्वेश्चन है. दूसरा, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिमिटेंस देने वाली कंट्री कौन सी है, ठीक है. तो दो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, जाकर सर्च कीजिएगा, लेकिन इसको सर्च करते हुए आप लोग और भी कई सारे क्वेश्चन में को निकल के आएंगे, आप लोगों को और भी कई सारी चीजें यहां पर जानने को मिलेगी. तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा. तो डिजास्टर अगर कहीं पर भी कोई आता है, कोई भी आपदा आती है, तो उस टाइम पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो हमारी कंट्री का डायस्पोरा यानी कि प्रवासी होते हैं, अपनी कंट्री की हेल्प करते हैं, ये काफी अच्छी बात है. तो इसी के बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है. पर लेकिन देखिए अगर बात करें, कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जो डायस्पोरा है वो इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि पॉलिटिक्स और पॉलिसी भी कई बार चेंज कर देते हैं, यानी कि जो बाहर के हमारी कंट्री के सिटीजन या हमारी कंट्री की बात नहीं है दूसरी कंट्री में भी इंपैक्ट पड़ता है. जिस तरीके से आप लोग यूएसए में देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी कंट्री के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगाए, कई सारी बातें की, उल्टी सीधी हरकतें की, पर लेकिन इंडिया के ऊपर उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला. रीजन, बहुत बड़ा डायस्पोरा हमारी कंट्री का यूएसए में रहता है और उनको अभी आने वाले टाइम में फिर से इलेक्शन लड़ने हैं. तो इन सब चीजों पर ध्यान रख के चलती है हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इन सब चीजों पर ध्यान देकर चलती है. 8 से 20 अगस्त तक हमारी कंट्री में एक खतरनाक लेवल की बाढ़ आई केरला में, बहुत सारे लोग मारे गए, लगभग 500 के करीब लोग मारे गए. फ्लड में बहुत सारा नुकसान हुआ और बहुत कुछ इकोनॉमिक एंड लॉस आप लोगों को देखने को मिला, खासकर जान मान की हानि थी वो बहुत ज्यादा देखने को मिली. लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाए गए और आसपास वाले एरिया भी लगभग 6 स्टेट राज्य की जो पॉपुलेशन है वो इसकी वजह से इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ा. तो बहुत ही ह्यूज आप लोग एक सोशल बोल सकते हैं कि गैदरिंग एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंची, लोग पहुंचे और उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस हुआ, सड़कें खराब हो गई, लोगों के घर बर्बाद हो गए, लोगों की खेतें बर्बाद हो गई, बहुत सारे जानवर मारे गए, इलेक्ट्रिसिटी, रोड वगैरह सब बर्बाद हो गए. तो ये इतना बड़ा लॉस था कि आप लोग बोल सकते हैं कि काफी एक यहाँ पर ये बोला गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब एस्टिमेट लगाया गया कि ये इतना बड़ा लॉस था कि जितना एक स्टेट का एनुअल प्लान है. एनुअल प्लान आप लोग समझ सकते हैं किसी पर्टिकुलर राज्य का कितना ज्यादा वहां पर धन लगाया जाता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्या क्या वहां पर प्लानिंग की जाती है कि हाँ ये रोड बनाए जाएंगे, हाईवेज बनाए जाएंगे, ये सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चलाई जाएगी, ये हम लोग प्लांट लगाएंगे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है. तो वो सारा इन्वेस्टमेंट बस
यहाँ पर 8 अगस्त से और 20 अगस्त के बीच में यानी कि लगभग 12 दिन में ये इतना खर्चा, इतना बर्बादी यहाँ पर हो गई जितना कि यहाँ पर पूरे साल का इन्वेस्टमेंट होता है स्टेट का। तो ये यहाँ पर एक एस्टिमेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया। अगर बात करें यहाँ पर रिमिटेंस की, तो ये रिसीव किया गया यहाँ पर 85,000 करोड़, तो काफी अच्छा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केरला में फर्स्ट टाइम बाढ़ आई है। केरला में 1924 से बहुत बार बाढ़ आ चुकी है और यहाँ पर आज की डेट में आप लोग देखते हैं 2 कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी यहाँ पर, ठीक है। तो रंगराजन, तो यहाँ पर जो कमेटी थी, एक तो थी कस्तूरी रंगन कमेटी और दूसरी थी और दूसरा था गडगिल कमीशन। ये जो कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी किसके द्वारा बनाई जाती है, इस तरीके की जो कमेटी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिस वजह से केरला इतना ज्यादा न्यूज में है। तो ये है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा इस तरीके की कमेटी। तो इन्होंने रिपोर्ट उस टाइम पर भी सबमिट की थी कि आने वाले टाइम में केरला में काफी डिजास्टर देखने को आप लोगों को मिल सकता है, यानी कि केरला स्टेट जो कि वेस्टर्न घाट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 6 राज्य आते हैं वेस्टर्न घाट में, गुजरात, यहाँ पर आप लोगों को देखने को गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा ये बताइए ईस्टर्न घाट में कितने राज्य आते हैं, नॉर्मली अगर आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा चुका है तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहले ही रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी थी पर लेकिन कोई ऐसा बात यहाँ पर की नहीं गई। और अगर बात करें यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का जो डिजास्टर रिलीफ फंड है उसमें लगभग ये 1,680 करोड़ रुपए देखने को मिले, जो कि कोई ज्यादा आप लोग बोल नहीं सकते हैं कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि जिस तरीके का डिजास्टर था वो यहाँ पर इतना अप टू द मार्क नहीं था। अब बात करते हैं कुछ डेटा के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में से 2.1 मिलियन जो लोग हैं, खासकर ये कौन से हैं, ये वो लोग हैं जो हमारी कंट्री से आजकल दूसरी कंट्री में जाकर रहते हैं, और खासकर कौन से, ये मलयाली लोग हैं, यानी कि जो केरला से निकलकर गए हैं, जो मलयालम लैंग्वेज आप लोगों ने सोचा होगा, कई बार सुना होगा, जो बोलते हैं ये केरला से निकलकर दूसरी कंट्री में जाते हैं। और मैक्सिमम आप लोगों को कहां पर नजर आएंगे, ये इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे, इस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम एरिया तो आप लोग यूएई बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसके द्वारा यहां पर केरला में जब बाढ़ आई उस टाइम पर काफी कुछ हेल्प करने की भी बात बोली गई थी जो न्यूज में थी। तो क्यों ऐसी हेल्प की जाती है, क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन किसी कंट्री की दूसरी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, इसलिए कोई कंट्री इस तरीके से आगे निकल कराती है। तो जो ये डिपार्टमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स अफेयर है, ये चीफ मिनिस्टर के अंडर में है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंस है यहां पर इस डिपार्टमेंट की। अगर बात करें केरला के बारे में, तो केरला की आज की डेट में हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा रिमिटेंस जो होता है ये माना जाता है केरला, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, कुछ ऐसे एरिया जहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां से जो लोग हैं काफी अच्छे लेवल एजुकेशन रहता है और यहीं से ही लोग मैक्सिमम जो बाहर की कंट्री में जाते हैं और वहां पर जाकर व्यापार करते हैं या फिर किसी भी तरीके से इंजीनियर, डॉक्टर या अलग अलग प्रोफेशन में जाकर अपना काम करते हैं। तो ये इसीलिए हमारी कंट्री के काफी प्रोग्रेसिव स्टेट भी ये माने जाते हैं। अब यहां से जो डायस्पोरा है उनके द्वारा रिबिल्ड करने के लिए जो खुद जो यहाँ पर क्राइसिस के टाइम पर जो इकोनॉमी है उसके लिए काफी हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है। और डायस्पोरा ऐसा नहीं है कि हमारे ही कंट्री का, अर्थक्वेक 2010 में आप लोगों को देखने को मिला, ये है हताई, ये पर्टिकुलर आप लोगों को एक एरिया देखने को मिलेगा, मैप में आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया ऊपर हो गया, ये वाला देखिए, ये हो गया कनाडा, नीचे हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, थोड़ा सा यहाँ पर क्यूबा वगैरह दिख रहे होंगे, थोड़ा अभी जूम करते हैं आप लोग इसको देख पाएंगे किस पर्टिकुलर आइलैंड की बात करें। ये देखिए ये हो गया हैती, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आइलैंड की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पर जिस टाइम पर यहाँ पर अर्थक्वेक आया उस टाइम पर यहाँ की जो डायस्पोरा था दूसरी कंट्री में जाकर रह रहा था उनके बहुत लार्ज स्केल पर उन्होंने हेल्प की, खासकर डॉक्टर, नर्सेज, इंजीनियर, एडवाइजर और रिकंस्ट्रक्ट प्लानर, ये सारे जो दूसरी कंट्री में थे उन्होंने आया बहुत ज्यादा हेल्प करी। इसी तरीके से हर एक कंट्री के जो सिटीजन होते हैं डायस्पोरा होते हैं दूसरी कंट्री में रहते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सुनामी देख सकते हैं साउथ एशिया में आई 2004 में, इसके अलावा पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक आया 2005 में उनके द्वारा भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया सुनामी के टाइम पर केरला, या फिर आप लोग ये वाला केरला नहीं सॉरी ये वाला रीजन था यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, ये वाला रीजन था खासकर, ठीक है ना, सुनामी के टाइम पर। तो काफी तहस नहस देखने को मिली इंडोनेशिया में, काफी प्रॉब्लम उस टाइम पर देखने को मिली। तो ये पर्टिकुलर एरिया में जब उस टाइम पर ये प्रॉब्लम निकल कर आई उस टाइम पर भी जो डायस्पोरा था जो बाहर जो प्रवासी भारतीय थे उनके द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। तो सक्सेसफुल जो डायस्पोरा ग्रुप है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री में, खासकर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उस कंट्री के डेवलपमेंट में भी, और उस पर्टिकुलर एरिया में तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिससे निकल कर आता है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि देखिए अगर हमारी कंट्री का कोई डायस्पोरा दूसरी कंट्री में जाकर रहता है तो थोड़ा सा हम लोगों को उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। अगर कल को कुछ कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो रही है और वहां से वो रिटर्न आ रहे हैं तो उनके लिए कम से कम कोई पॉलिसी होनी चाहिए किस तरीके से वो, अगर हमारी कंट्री की नहीं बात की जा रही है, अगर हमारे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में मान लीजिए बात की जा रही है किसी पर्टिकुलर स्टेट, राजस्थान से उत्तर प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से तेलंगाना में, या फिर तेलंगाना से
किसी दूसरे स्टेट में अगर कोई पर्सन जाते हैं तो अगर फिर वो वापसी आते हैं क्योंकि वो वहां पर काम करने जा रहे हैं, काम करने के बाद में वो क्या करते हैं वहां पर रुपीज कमाते हैं और अपनी स्टेट में पर्टिकुलर एरिया में आकर वो पैसा देते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और किसी दूसरे रीजन की वजह से वापसी आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखना चाहिए। तो कमिंग ईयर में अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, खासकर केरला की बात की जाए, तो उनके ऊपर ध्यान देकर चलना चाहिए क्योंकि रिमिटेंस बहुत लार्ज स्केल पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये बात यहां पर की जा रही है। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंट था यहां पर, आप लोग हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई तरीके ऐसी स्टेटमेंट हमारे द्वारा दी जाती है, अंधों में काना सरदार, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, कहने के लिए तो स्टेटमेंट है, पर लेकिन ये बोला जाता है कि जहां कम लिखे पढ़े हैं वहां पर थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान भी बहुत ज्यादा होशियार माना जाता है। ये बात आप लोगों को देखने को मिलती है, इसीलिए अंधे में काना सरदार बोल देते हैं, यानी कि सब अंधे लोग हैं और वहां पर एक को दिखता है काना है, वो उसको एक आंख से दिखता है, तो इसका मतलब है वो सरदार हो गया, यानी कि वो काफी यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए, कहने के लिए तो ये है अंधे में काना सरदार, एक तरीके से एक फ्रेज आप लोग यहां पर यूज कर रहे हैं, पर लेकिन अगर देखेंगे तो इसको गलत तरीके से यहां पर कनेक्ट किया जा रहा है, यानी कि जो डिसेबल पर्सन है, जो अंधे हैं या फिर जिनको एक आंख से कम दिखता है, तो उनके ऊपर काफी एक तरीके से ये टॉन्ट कसने वाली बात हो गई। तो इसीलिए यहां पर जो राइटर है वो इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कभी भी हम लोग को ऐसी टर्म्स यहां पर यूज करनी नहीं चाहिए। बहुत सारी टर्म्स यूज की जाती है, म्यूट लीडरशिप, मनमोहन सिंह को बोला जा रहा था कि गुंगा सरदार है ये, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसी स्टेटमेंट निकल कर आती थी कि वो बोलते ही नहीं थे, बहुत कुछ हो जाता था कंट्री में पर लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती थी, तो म्यूट यानी कि उनको गुंगा एक तरीके से बोला जा रहा है। तो जो गुंगे आदमी है, जो बोल नहीं पाते ढंग से हमारी सोसाइटी में, तो उनके लिए एक तरीके से कटाक्ष वर्ड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बोला है टर्निंग ए ब्लाइंड आइज, यानी कि नजरअंदाज कर देना, मैं कहीं आप लोगों को मिल जाऊं और आप लोग क्या करें, आंख फेर के निकल जाएं और देखे बिना मेरी तरफ को, तो क्या होगा, एक तरीके से नजरअंदाज करके मुझे निकल गए, पर लेकिन क्या हो गया, ब्लाइंड आइज, जिसको दिखता नहीं है उसके लिए मुहावरा यहां पर यूज कर लिया गया। इसी तरीके से पैरालाइज्ड इकोनॉमी हम लोग यूज करते हैं, यानी कि इकोनॉमी में पैरालिसिस आ गया, यानी कि जिस तरीके से बॉडी में पैरालिसिस आता है, पॉलिसी पैरालिसिस हम लोग कई बार बोल देते हैं, इंसान की बॉडी में पैरालिसिस आता है, इंसान एक तरीके से बैठ जाता है चार पाई पे, इस तरीके से बर्बाद हो जाता है, पर लेकिन हम लोग क्या करें, उस टर्म्स को लोग ऐसे यूज कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग एक तो नहीं होते हैं चीजों को अलग तरीके से कि हाँ किसी पर्टिकुलर टर्म के साथ में, और जो कि नेगेटिव एक तरीके से, यानी कि ये सारी जो टर्म्स हैं यहां पर ये पॉजिटिव टर्म नहीं है, ये नेगेटिव टर्म है, कहीं ना कहीं जो पर्सन इन सब चीजों से इफेक्टेड है उनके ऊपर ये नेगेटिव इंपैक्ट है, तो हम लोग को ये ऐसी चीजें चेंज करनी चाहिए। और ये एथिक्स में भी आप लोग इस तरीके की स्टेटमेंट देख सकते हैं कि क्या हम लोग को ऐसा करना चाहिए, और खासकर ऐसे भी इस तरीके की चीजों पर काफी टाइम आ जाता है, यानी कि हम लोग को ये सारी जो टर्म्स हैं यहां पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं इन टर्म्स के बारे में सोचना चाहिए और हम लोग को ये कहीं ना कहीं दूर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं एपेथी एक उदासीनता है हमारी सोसाइटी में, अगर हम लोग देखेंगे, अगर कहीं डिसेबिलिटी को हम लोग लेकर देखें, यानी कि कहीं ना कहीं हम जो हमारी डिसेबिलिटी, जो हमारी सोसाइटी का डिसेबल पर्सन सेक्शन है, हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, हर एक न्यूज़पेपर में मैं कई बार आप लोगों को ये ऐसी स्टेटमेंट देखता हुआ सुनते होंगे आप लोग मुझे, क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर में डायरेक्ट यूज की जाती है पैरालाइज्ड इकोनॉमी, बहुत बार यूज किया था जब यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ये म्यूट लीडरशिप ये भी बहुत बार यूज किया जाता है, अंधों में काना सरदार ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये ऐसी जो टर्म्स है यहाँ पर ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करती है, खासकर एक तरीके से ये भी दिखाती है कि आप लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं अपनी उस सोसाइटी के एक सेक्शन को आप लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये इतनी बड़ी डिक्शनरी है हमारे पास में, कोई इसके इसके इक्विवेलेंट आप लोग दूसरी टर्म खोज सकते हैं, ये थोड़ी ना कि यही टर्म है यहाँ पर आप लोगों को यही यूज करनी है, डिक्शनरी जाइए सर्च कीजिए, बहुत सारे ऐसे इक्विवेलेंट आप लोगों को शब्द मिल जाएंगे जो आप लोगों को अल्टरनेटिवली आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, यानी कि ये शब्द आप लोगों को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ऐसे भी बहुत सारे टर्म्स आप लोगों को मिल जाएंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं करते हैं और ये गलत बात है। कहीं ना कहीं जिस तरीके का रवैया यहां पर चल रहा है ये हम अपनी सोसाइटी के एक सेक्शन जिसको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं आज के डेट में, डिसेबल सेक्शन बोलते हैं या कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, इसी तरीके से यहां पर ये गलत तरीका है उस सेक्शन को देखने का, तो हम लोगों को ये जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं हम लोगों को चेंज करना चाहिए, और आज के डेट में तो ये आदत बन चुकी है, तो आने वाले टाइम में यह आदत हम लोग को चेंज करनी पड़ेगी। और इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी में भी कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया अंधे में काना सरदार, ठीक है, तो ये बोला जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत चीज है जिस तरीके से यहां पर इसको इंटरप्रेट किया जाता है, जिस तरीके से इसको बोला जाता है, तो इंटरप्रिटेशन जो है यहां पर थोड़ा चेंज होना चाहिए, अल्टरनेटिव वर्ड आप लोगों को सर्च करने चाहिए, तब आप लोग यहां पर ये इस तरीके का पैटर्न सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों के पास में जब अवेलेबल रिसोर्सेज हैं तो व्हाई आर यू नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर फेज, व्हाई आर यू नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर सेंटेंस, तो यही सेंटेंस आप लोग क्यों यूज करें, तो आप लोगों को ये सब चीजें चेंज करनी चाहिए, ये सब टर्म्स आप लोगों को चेंज करनी चाहिए, वरना हम लोग कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी को एंटी डिसेबल सोसाइटी सेक्शन सोसाइटी बना रहे हैं। आने जाने में कहीं लोगों को अगर जाना पड़ता है डिसेबल सेक्शन जो है उनको वैसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनकी उनके तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर लीजिए चाहे प्राइवेट ऑफिस की बात कर लीजिए, मेट्रो में आप लोग जाएंगे फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, पर लेकिन क्या रेलवे
ट्रैक पर इतनी सारी फैसिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्या रोड पर आप लोगों को इतनी फैसिलिटी देखने को मिलेंगी, इवन बसेस की जो चढ़ने वाली जो लास्ट वाली जो सीट होती है वो भी इतनी ऊपर होती है कि नॉर्मल पर्सन को चढ़ने में प्रॉब्लम हो जाए, अगर किसी के पैर में प्रॉब्लम है तो वो कैसे चढ़ पाएगा। पर लेकिन मेट्रो आप लोग देखेंगे, जब मेट्रो जाकर रुकती है तो बिल्कुल एक लेवल में रहती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को इनके ऊपर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, पर हम लोग इनको गलत तरीके से देख रहे हैं। तो सोसाइटी के सामने एक चैलेंज है, उसको अपनी आदत चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे फ्रेजेस जो यूज कर रहे हैं, ऐसे वर्ड जो यूज कर रहे हैं, उनको यूज करने से बचें और कम से कम एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढ के लाएं। तो काफी अच्छा आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहां पर यह बोलूंगा कि अगर कोई भी सेक्शन ऐसा है सोसाइटी में जिसको दिखता नहीं है या कम सुन पाता है, चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो देखिए आप लोगों को कभी भी उनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, ठीक है, कि हाँ यार ये इनको क्या हो गया है। उनको एक तरीके से कैपेबल पर्सन की तरीके से देखना चाहिए। अगर एक साइड में प्रॉब्लम है तो दूसरी साइड में कहीं ना कहीं उनके अंदर आप लोगों को कैपेबिलिटी नजर आएगी, अगर आंख और चक्षु खोलकर आप लोग देखेंगे तो यही बात आप लोग देखते हैं। कभी भी हीन भावना से नहीं देखनी है, अगर कोई हेल्प करने की जरूरत पड़े तो हेल्प कर सकते हैं, पर लेकिन एहसान की तरीके से उसको मत देखेगी, एहसान कर दिया, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो हमको अपना रवैया थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर इलेक्शन के बारे में। पांच राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो कौन कौन से राज्य यहाँ पर, ये हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये हो गया और तेलंगाना, ठीक है, तो ये राज्य हैं आप लोगों के सामने। तो इन राज्यों में आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिलेंगे, और हाँ एक मिजोरम भी रह गया, ठीक है, तो मिजोरम के बारे में तो अभी आप लोगों को आगे भी डिस्कस करूंगा मैं। ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर मिजोरम, ठीक है, ये तो इस तरीके से पांच राज्यों में जो इलेक्शन होने वाले हैं। और रिसेंटली अभी आने वाले टाइम में 2019 में हमारी कंट्री में जनरल इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इसको एक तरीके से ड्रेस रिहर्सल बोला जा रहा है। 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त पर अगर हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, खासकर 26 जनवरी आप लोग याद रखिए, 15 अगस्त पर इतने ज्यादा प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो 26 जनवरी का जो प्रोग्राम होता है उससे पहले एक फुल ड्रेस रिहर्सल होता है, ठीक है, तो उसी तरीके का ड्रेस रिहर्सल इसको बोला जा रहा है 2019 के इलेक्शन से पहले। और ये काफी खतरनाक भी बोला जा रहा है राइटर के द्वारा, बोला जा रहा है देखिए अगर आप लोग 2019 के इलेक्शन से पहले इनको फोरकास्ट करके चलेंगे कि जो पार्टी यहां पर जीत के आएगी वही पार्टी 2019 के इलेक्शन में जीत के आएगी, तो ये रिस्की हो सकता है। पहली तो बात ये, एक राइटर बोल रहे हैं कि एक तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल है, और दूसरे बोल रहे हैं ये रिस्की हो सकता है। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग अगर पॉलिटिक्स को ध्यान से देखेंगे ना तो पॉलिटिक्स आप लोगों को काफी नजर आएंगे। कुछ तो होते हैं रीजनल मुद्दे और कुछ होते हैं हम लोगों के सेंट्रल यानी कि कंट्री के लेवल के मुद्दे। तो रीजनल मुद्दों पर अगर आप लोग पॉलिटिक्स खेलेंगे सेंटर की तो आप लोग वहां पर मात खा जाएंगे, और सेंटर के मुद्दे पर अगर आप रीजनल पॉलिटिक्स खोलेंगे तो वहां पर भी मात खा जाएंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, बहुत शानदार उदाहरण है डोनाल्ड ट्रंप का, ठीक है, किसी ने सोचा भी नहीं था बंदा चुन के आएगा, पर लेकिन वो खेल गया वहां पर। उस टाइम पर वो उस सेक्शन के सोसाइटी के बारे में बात करी उसने, खासकर अगर देख लीजिए आपकी फैमिली का मेंबर है, ठीक है, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपकी एक फैमिली है वहां पर, आप लोग 6 से 7 मेंबर है, और उसमें आपकी फैमिली का जो हेड है वो क्या कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं बस, ठीक है, पड़ोसी में कौन घर है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, आसपास में कौन लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आपके डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आपके एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, जो घर का सरदार है काफी अच्छा है, ठीक है। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा फोकस यूएसए के ऊपर दिया, यूएसए की इकोनॉमी को अच्छा करूंगा, जो बाहर के लोग यहां पर रहते हैं उनको मार के भगाऊंगा, जो आसपास की कंट्री है जिनसे हमारा ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ में मैं काम नहीं करूंगा, तो ऐसे ऐसी स्टेटमेंट उनके द्वारा दी गई। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल जाऊंगा, ईरान न्यूक्लियर डील खतरनाक डील है उससे बाहर निकल जाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं लुभाने वाली बातें हैं सारी, यानी कि यूएसए की जो जनता है उसको लुभाने वाली ये सारी बात बोली गई इनके द्वारा। तो इसीलिए आप लोगों को यहां पर ये बात नजर आई कि यहां पर कहीं ना कहीं जनता ने जो वोट दिया वो किसको दिया, डोनाल्ड ट्रंप को दिया। तो अलग अलग ऐसे मुद्दे आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से फोरकास्ट करना आने वाले टाइम में, और देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है, कोई बीच में स्कैम हो जाए, कोई जो थोड़ा सा मुद्दा निकल जाए, जैसे कि मुजफ्फरनगर के दंगे ने पॉलिटिक्स चेंज करके रख ली उत्तर प्रदेश की भी और कंट्री की भी, तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो इतने लंबे समय में आप लोगों को ये नहीं सोचकर चलना चाहिए कि ये 2018 में जो अभी 5 राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं यही डिसाइड करेंगे कि आगे 2019 में कौन पार्टी जीतकर आएगी। तो ये था यहां पर आर्टिकल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर बात की जा रही है पावर और पॉलिटिक्स के बारे में। देखिए आप लोगों के यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अगर बात करेंगे आप लोग यहाँ पर हमारी कंट्री में 3 लिस्ट है, ठीक है, एक तो लिस्ट है यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट, एक है कॉन्ट्रल लिस्ट और एक है यहाँ पर स्टेट लिस्ट। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है, ये सारी लिस्ट आप लोगों को पहले तो ये बताना है कौन से शेड्यूल में आती है, ठीक है, किस शेड्यूल में आती है, और यहाँ पर कौन सी लिस्ट में, तीनों लिस्ट में से कौन सी लिस्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आती है, ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन। तो दोनों को जाकर निहारिएगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बैकग्राउंड में जाकर मिल जाती है, तो हल्का सा आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अगर बात करें अभी कुछ दिनों पहले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को चेंज किया गया और जस्ट इलेक्शन से कुछ दिन पहले, तो कहीं ना कहीं पावर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में, ये बात यहां पर बोली जा रही है। अगर आप लोग देखेंगे पॉलिटिक्स में जो पावर को यूज करने की बात की जाती है, सबसे बड़ा रोल करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस क्या रहने वाला है, यानी कि कितना यहां पर उसका रेट रहने वाला है, क्या उसकी क्वालिटी रहने वाली है, और क्या आप लोग यहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस रहने वाली है, यानी कि कितने लोगों को यहां पर बिजली मिलेगी, ठीक है।
तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसके ऊपर कई बार पॉलिटिक्स भी खेली जाती है। पॉलिटिकल पार्टी की आप लोगों ने स्टेटमेंट सुनते हुए देखा होगा कि हमने इतने राज्य में बिजली प्रोवाइड करा दी, हम लोगों ने ये कर दिया, तो ऐसी स्टेटमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो इसलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स जब बात आती है यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा रोल करती है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल करेंसी की तरह इसको यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि वोट बैंक को लुभाने के लिए भी कई बार इसको यूज किया जाता है। आपके एरिया में बिजली नहीं है, हम आपके एरिया में बिजली दे देंगे, हम आपके एरिया में ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो ये सारी बारगेनिंग की जाती है उस टाइम पर स्टार्टिंग में कि हाँ आप लोग वोट दीजिए, हम आप लोगों को ये सारी चीजें देंगे, ठीक है। पर लेकिन अब यहां पर जो बात की जा रही है, अभी जो चेंज करने की बात की जा रही है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। देखिए बात की जा रही है कंपटीशन करने की, कंपटीशन करने की दोनों ही लेवल पे, खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए भी और जो कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए भी। यानी ये कहने का मतलब ये है, एक कंपिटेटिव इन्वायरमेंट अगर रहेगा तो रेट तो सही आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर लेकिन कई बार अगर रिफॉर्म करके बात की जाती है तो कई सारे अमेंडमेंट करके यहां पर जो अभी अमेंडमेंट निकल कर आ रहे हैं उन पर ये माना जाएगा कि जनता के ऊपर भी काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है। यानी कि कुछ गरीब सोसाइटी का तबका हमारा ऐसा है जिनके पास में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं है दो टाइम के लिए, और अगर वहां पर अगर आप लोग प्राइस बढ़ा देते हैं तो काफी इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे। और जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है काफी सदमे में चल रहा है, काफी दिनों से हम लोग इसके बारे में कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, कई सारी स्कीम लेकर आई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ताकि यहां पर इसको यहां पर एक तरीके से रिकवर किया जा सके, ठीक है। तो ये बात आप लोग कई बार देख चुके हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि देखिए कैसे लेकर चलना है तो वो देखने को मिलेगा। 2014 में भी कुछ गाइडलाइन निकल के आई थी जो मैंडेटरी बोला गया था टाइम बाउंड मैनर में आप लोगों को रिफॉर्म करके लेकर आना, पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उस टाइम पर मना कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट उसको झेल नहीं पाई। रीजन क्या था? रीजन ये था टाइम बाउंड मैनर। पर अब की बार जो यहां पर ये चीजें निकल कर आ रही है, टाइम बाउंड मैनर नहीं रखा गया, यहां पर थोड़ा सा इसको ओपन कर दिया गया है, यानी कि आप लोग क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाती है टैरिफ, अगर आप लोग दूसरी कंट्री में जाकर देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है और जो इलेक्ट्रिसिटी का भाव आप लोग बोल सकते हैं वो हमारी कंट्री के कंपेयर में काफी सस्ता है, हमारी कंट्री में काफी हाई रहता है, तो ये भी प्रॉब्लम निकल के आती है, एक अलग ही बर्डन निकल के आता है ये भी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं। और इसके साथ में लो परफॉर्मेंस रहती है, कुछ एरिया ऐसे हैं आप लोगों को नजर आएंगे अगर ध्यान से देखेंगे जहां पर दो दो घंटे तीन तीन घंटे बिजली आती है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर कई दिन में एक एक घंटे भी बिजली आती है या फिर आधा आधा घंटे भी बिजली आती है, ऐसे भी बहुत सारे एरिया है। और ये तो गनीमत है यहां पर आती है, कुछ एरिया ऐसे हैं पर आती नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो कंडीशन बहुत खतरनाक लेवल की आप लोगों को नजर आएगी और लो परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां आती है वो 360 बार बीच में जाती है, ठीक है, तो ये भी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ में सब्सिडीज की बात की जाती है, सब्सिडी क्या होती है, एक तरीके की छूट होती है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं आप लोगों को कोई एक बुक खरीद के लेके आनी है, ठीक है, और मैं आप लोगों को बोलूं वो बुक वैसे तो है 250 रुपए की, और मैं आप लोगों को बोलूं 50 रुपए मैं दूंगा आप लोगों को, बस 200 रुपए पे करने हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 50 रुपए की सब्सिडी आप लोगों को दे दी गई, यानी कि छूट मिल गई आप लोगों को, 250 रुपए की किताब बस 200 रुपए में मिल गई, तो ये सब्सिडी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो सब्सिडी भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है, खासकर अगर सोसाइटी की बात करें तो जो पुअर सेक्शन है उनके लिए काफी फायदेमंद होती है, पर इनडायरेक्ट वे में दूसरी साइड में हम लोग अगर जाएं तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट भी डालती है, यानी कि इकोनॉमी को नेगेटिव डायरेक्शन में भी लेकर चलती है। तो सब्सिडीज भी यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब किस तरीके से सब्सिडीज आप लोगों को लेकर चलनी है यह भी डिसाइड करेगी कि आप लोग किस तरीके से सेक्टर को आगे लेकर चलना है। अब इसमें थोड़ा चेंज करने की बात की गई, सब्सिडीज को बोला गया कि अब अलाउ नहीं करेंगे कंज्यूमर कैटेगरीज में, लाइक इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर अलग अलग, अब यहां पर कंजप्शन की कैटेगरी में इनको यहां पर अलाउ किया जाएगा, तो ये भी थोड़ा चेंज करने की बात यहां पर की गई है। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती वहां पर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में। अब आप लोग सोचिए एक मिनट के लिए, आपके घर में अगर बिजली आती है तो आप लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं उसमें बैठ के, अपना खुद की पढ़ाई करते हैं, इसी के साथ में आप लोग बहुत सारे जो इक्विपमेंट चलाते हैं मोबाइल फोन वगैरह टीवी लैपटॉप ये सारे आप लोग रिचार्ज होते हैं, लाइट आप लोगों को देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक डेवलपमेंट का काम करती है इलेक्ट्रिसिटी। पर लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं निकल कर आती है तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसलिए जो अमेंडमेंट किया जा रहा है ये यहां पर काफी बोला जा रहा है कि एक क्लियर अमेंडमेंट नहीं है, यहां पर ये नहीं शो कर रहा है कि क्या क्या बातें क्लियर आप लोगों को लेकर चलनी है, क्योंकि अगर क्लियरिटी नहीं रहेगी तो काफी प्रॉब्लम यहां पर झेलने को पड़ सकती है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा चेंज करती है सोसाइटी में, एक शिफ्ट निकल कर लेकर आती है, पर लेकिन अगर आप लोग यही डिसाइड नहीं करेंगे किस तरीके से आप लोग क्या क्या करना है और एग्जैक्ट क्लियर गाइडलाइन आप लोग लेकर नहीं आएंगे तो बहुत यहां पर प्रॉब्लम झेलने को पड़ सकती है। और बोला जा रहा है कि सेंटर के हाथ में दे देना चाहिए पूरा पोर्शन एज कम्पेयर टू स्टेट के हाथ में, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट इसको झेल नहीं पा रहे हैं और कई बार यहां पर उसमें कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा ये डेफिसिट में चले जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, कई कंट्री की जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन हमारी कंट्री में रेल में घूमती है, आप लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन क्या बताया गया। देखिए इस बार आप लोगों को देखने को मिला इकोनॉमिक सर्वे में भी कई सारी स्टेटमेंट थी ऐसी, बात क्या थी कि हमारी कंट्री का जो
नॉर्थ इंडिया है वहां पर आज के डेट में जो बर्थ रेट है वो आप लोगों को ज्यादा नजर आएगा, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा नजर आएगी, और जो साउथ इंडिया है वहां पर पॉपुलेशन आप लोगों को कम नजर आएगी। तो एजुकेशन जो सोसाइटी है, एजुकेटेड जो सोसाइटी है उसमें पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी, और जो कहां पर लो एजुकेशन लेवल है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। इसी के साथ में दूसरा कंपेयर किया जा सकता है, यहां पर जहां पर इंप्लॉयमेंट अच्छा है वहां पर पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी, और जहां पर इंप्लॉयमेंट कम है यानी कि जहां पर अच्छा है वहां पर पॉपुलेशन कम, और जहां पर इंप्लॉयमेंट कम है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो एजुकेटेड पर्सन है वो समझते हैं कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, कितने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, कितने को हेल्थ प्रोवाइड करा सकते हैं, बिना बात के बच्चों में बच्चे किए जाना, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। यानी कि अगर बच्चे पैदा कर दिए उनको अच्छी एजुकेशन अच्छी हेल्थ नहीं दे पा रहे तो ये खतरनाक सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि आगे चल के क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ती हुई आप लोग नजर आएगी। और अगर पूरी जिंदगी उस बच्चे ने कोई काम नहीं किया तो जब वो बड़ा होकर बूढ़ा होगा आगे चल के तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर लॉस पड़ेगा बहुत ज्यादा, और इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ की सर्विस वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और जबकि पूरी जिंदगी कुछ किया ही नहीं है पर्सन ने। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए भी काफी खतरनाक होता है। जब जब सोसाइटी में ऐसी पॉपुलेशन बढ़ती है तब तब सोसाइटी की इकोनॉमी डामाडोल होने लगती है, और सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटी और भी उल्टी सीधी एक्टिविटी बढ़ती जाती है। ये इंपैक्ट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। तो बात की जा रही है फर्टिलिटी के बारे में, तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो ज्यादा है, साउथ इंडिया की बात की जाए तो कम है। इसी के साथ में एजुकेशन लेवल के बारे में कंपेयर करके ये बातें बोली जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अगर आप लोग देखेंगे तो पॉपुलेशन काफी लार्ज स्केल पर भी बढ़ने वाली है। यानी कि रिसेंटली ये बोला जा रहा है कि चाइना को बड़ी जल्दी हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं, 1.6 बिलियन होने वाली है लगभग आने वाले टाइम में 50 के एयरफेयर में, मतलब कि 2050 के एयरफेयर में बात की जा रही है यहां पर। ठीक है, तो ये कई सारी स्टेटमेंट है, हल्का सा आप लोग आइडिया रख सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट बात की जा रही है नोबेल प्राइज जो कि इकोनॉमी में मिला है, तो काफी शानदार यहां पर देखने को मिला। मैक्रो इकोनॉमी की बात की गई, एनालिसिस किया गया क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट के साथ में, और दूसरा यहां पर यह किया गया टेक्नोलॉजी का, यहां पर जो इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है मैक्रो इकोनॉमी के। ठीक है, तो दो पर्सनैलिटी है, दोनों यूएसए के हैं, इंपॉर्टेंट यहां पर आप लोग ये देख सकते हैं। आज तक का जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं टोटल 57 नोबेल प्राइज यहां पर देखते हैं इकोनॉमी के फील्ड में जो निकल कर आ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यहां पर यानी कि 82 प्राइज में से 57 प्राइज जो निकल कर आए ये ओनली यूएसए के सिटीजन है। ठीक है, और ओनली वन वुमेन है, और वो भी किसकी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ठीक है, तो एलिनोर ऑस्ट्रोम, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओनली सिंगल वुमेन जो इकोनॉमी में नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमी में कहां की है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, और मैक्सिमम आप लोग यहां पर देख सकते हैं यूएसए यूके यहां पर बोली जा रही है। देखिए 70 से यहां पर 70 से 79 तक, 80 से 89 तक, 90 से 99 तक, और यहां पर ये लगभग ये डेकेड लेकर चल रही हैं। तो सबसे ज्यादा आप लोग यहां पर देख सकते हैं टोटल 57 यूएसए को, यूके को 10, और इंडिया को आप लोग देखते हैं यहां पर एक। इंडिया को जो एक मिला है वो कौन मिला है ये आप लोगों को पता ही होगा, क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों से नैनो मैगजीन में पूछा था, तो इसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन है यहां पर जब बात करते हैं नोबेल प्राइज की। ठीक है, तो यहां पर ये नोबेल प्राइज है इस बार का, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है, एक नोटिस जारी किया गया है, जिस तरीके से आसाम में अभी यहां पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन निकल के आया, उसी तरीके से त्रिपुरा में भी आप लोग निकाल के लेके आइए। यानी कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट निकल कर आ रहे हैं बांग्लादेश से 1971 के वार के टाइम पर या फिर दूसरे टाइम पर, उनको आप लोगों को काउंट करना है जो कि सिटीजन नहीं है और यहां पर है आज के डेट में। तो ये नई स्टेटमेंट निकल कर आ रही है, तो देखते हैं अभी क्या बात यहां पर बोली जाएगी, वो आगे देखने को मिलेगा। टू इंडियन ऑयल फेम यहां पर ईरान के साथ में ऑयल का इंपोर्ट करने जा रही है, और खासकर यूएसए के सेंक्शन के बाद भी। यूएसए ने बोला अभी नवंबर में सेंक्शन इंप्लीमेंट किए जाएंगे, उसके बाद भी हम लोगों ने उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए हम लोग यहां पर ऑयल का इंपोर्ट करने जा रहे हैं। तो काफी एक तरीके से आप लोग ये कैसा बोल सकते हैं कि एक अच्छी पॉलिसी है, खासकर हमारी सॉवरेन पॉलिसी है, किसी कंट्री के प्रेशर में आकर हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। ओके, लोकल इलेक्शन अभी देखने को मिले कश्मीर वैली में, तो 8.3 ओनली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लोगों के द्वारा इलेक्शन में वोट डाले गए। ब्रह्मोस इंजीनियर अभी यहां पर बोला गया कि आईएसआई का लिंक पाया गया यहां पर, और इसी के साथ में यहां पर डेटा जो है चोरी करता हुआ पाया गया, और खासकर ये बोला जा रहा है कि ये जो डेटा है ये बेचने की बात की जा रही थी। तो देखिए गलत बात है काफी, बात की जा रही है नीचे यूएन की क्लाइमेट रिपोर्ट निकल कर आई आईपीसीसी की, तो इसके द्वारा यहां पर बोला जा रहा है, देखिए आईपीसीसी के बारे में आप लोग जाकर थोड़ा सा पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट सबमिट करती है यहां पर, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, कल इसके बारे में हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। तो एक टेम्परेचर जो है यहां पर बोला जा रहा है बहुत लार्ज स्केल पर आप लोगों को चेंज करने पड़ेंगे अगर आप लोग ये टेम्परेचर इस लेवल पर कंट्रोल करना चाहते हैं, वरना आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ब्रू जो ट्राइब है उनको बोला जा रहा है मिजोरम में वो वोट डालेंगे जो 18 नवंबर को वोटिंग होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते हैं यहां पर ये माइग्रेट हो गए थे
अब फिर से इनको वहीं पर पहुंचाने की बात की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो बोला गया कि अपने एरिया में ही जाकर ही ये वोट डालेंगे, त्रिपुरा में वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। साइक्लोन की बात की जा रही है उड़ीसा वाले एरिया में 10 और 11 अक्टूबर यानी कि कल और परसों, तो देखते हैं कैसे पोजिशन निकल कर आती है, क्या सोल्यूशन निकलता है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर, जो आज की डेट में कई सारी जो पोल कॉन्टेक्ट करते हैं यानी कि जो यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके हेल्थ के बारे में भी डेटा यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि जयललिता जी की आप लोग देखते हैं कंडीशन सुन, जब भी उनको यहाँ पर इलेक्शन हो उसके जस्ट बाद ही कुछ दिनों बाद ही उनकी डेथ हो गई, तो कम से कम इसका पता होना चाहिए, क्योंकि पर्सन जो है वोट डाली जाती है टैक्स पेयर की मनी होती है, तो कम से कम ऐसी पर्सनैलिटी को यहाँ पर इलेक्शन में आना चाहिए कम से कम जो कुछ दिनों जिए। ठीक है, यानी कि फिर से वोट न करानी पड़े। रुपी जो है उसकी हालत खस्ता हो गई है, 74 के प्राइस पर पहुंच गई है डॉलर के कंपेयर में। बाकी आंसर आप लोगों ने देते माउंट किलिमंजारो मैप आप लोगों से पूछा था, ये तंजानिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो तृप्ति श्रीवास्तव के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए हैं। आइए इसी बहाने तंजानिया को एक बार मैप में निहार लेते हैं। ये है यहाँ पर तंजानिया, ठीक है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, थोड़ा सा अगर इसको हम लोग निकालेंगे यहाँ से तो आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर है तंजानिया, तो यहाँ पर आप लोगों को ये माउंट किलिमंजारो आप लोगों को नजर आएगा। सबरीमाला अयप्पा टेम्पल, तो यहाँ पर केस मैंने पूछा था, तो है इंडिया यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, केस पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने गिफ्ट किए थर 3 MiG-21 फाइटर टू रसिया, तो ये भी याद रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनकी जो मीटिंग हुई थी ये सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर में था, जहां पर आप लोगों को देखने को मिली। तो ये था कंप्लीट डिस्कशन, लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, इसके अलावा आप लोग यहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा आस सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।